नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है वाराणसी ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वाराणसी ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका नंबर 22970 है, जो सप्ताह के हर शनिवार को वाराणसी से रवाना होने के बाद हर मंगलवार को ओखा पहुंचती है। दोस्तों, अगर मैं इसके ट्रेवल टाइम की बात करूं तो यह वाराणसी से ओखा के बीच 2042 किलोमीटर की यात्रा लगभग 34 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 21 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, यह सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसमें लगने वाले कोच की तो इसमें सेकंड एसी का एक कोच जिसका किराया 2910 रुपये है, थर्ड एसी के चार कोच जिसका किराया 1985 रुपये है, स्लीपर क्लास के 12 कोच जिसका किराया 755 रुपये है तथा जनरल क्लास के चार कोच लगते हैं जिसका किराया 430 रुपये है। यह किराया वाराणसी से ओखा के बीच का है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसमें लगने वाले लोकोमोटिव की, इसमें वाराणसी से बड़ौदा के बीच बड़ौदा लोको शेड का वेव 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है तथा बड़ौदा से ओखा के बीच वटवा लोको शेड का WDM-3D डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह ट्रेन किन किन स्टेशनों पर वह कब कब रुकती है। तो दोस्तों, वाराणसी ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो वाराणसी जंक्शन से रात को 9:55 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है भदोही, 10:21 पर पहुंचती है तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:23 पर रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है जंगाई जंक्शन रात को 11:06 पर तथा 11:08 पर रवाना होती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का ठहराव है। इसके बाद ये पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन रात को 12:45 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 12:55 पर रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है कानपुर सेंट्रल रात को 3:30 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 3:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है टूंडला जंक्शन सुबह के 6:40 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है आगरा फोर्ट सुबह के 7:25 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है गंगापुर सिटी 9:50 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है स्वाईमाधोपुर जंक्शन 10:40 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 10:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है कोटा जंक्शन दोपहर के 12:05 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 12:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है नागडा जंक्शन दोपहर के 3:33 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है रतलाम जंक्शन शाम को 4:10 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 4:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बड़ौदा जंक्शन रात को 8:10 पर तथा 15 मिनट के ठहराव के बाद 8:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है आनंद जंक्शन रात को 9:01 पर तथा 1 मिनट के ठहराव के बाद 9:02 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन रात को 10:40 पर तथा 20 मिनट के ठहराव के बाद 11:00 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है विरमगाम जंक्शन रात को 12:14 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:16 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है सुरेंद्र नगर जंक्शन 1:23 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है राजकोट जंक्शन रात को 3:36 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 3:41 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है हापा सुबह के 4:38 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 4:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है जामनगर सुबह के 5:07 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 5:12 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है खम्बालिया 6:39 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:41 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है द्वारका 7:48 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:53 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है ओखा सुबह के 8:50 पर तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है।